में सर मार्केट में तो बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे दुकानें खुलती हैं और बंद भी हो जाती है। इस शहबाज भाई जो है इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, ये प्यारी हैं कि इतना सारा लोग आज आया हुआ है, बहुत ज़्यादा है। अगर प्यार ना होता तो इतना लोग ना आ पाता है। यही बात है कि इसको एक केवल दुकान न कहिए, एक परिवार कहिए। रक्षौन नगर परिषद वार्ड नंबर 19 के वार्ड पार्षद सोम गुप्ता एवं अमन मेडिकल के डायरेक्टर अजय गुप्ता ने संयुक्त रूप से कोरिहार चौक कॉलेज रोड रक्षौन में क्लास 6 गार्मेंट का फीता काट कर किया शुभारंभ। सौभाग्य है कि आज हमको इस प्रतिष्ठान को उद्घाटन करने का, फीता काटने का मौका मिला। और रक्षौल में अगर क्रांति लाया है तो क्लासिक गारमेंट ही लाया है। रेडीमेड के क्षेत्र में बहुत अच्छा ही लोग का परफॉर्मेंस है और एक नहीं दो नहीं तीन तीन दुकान ही लोग का है, अच्छा क्वालिटी है। देखिए क्लासिक गारमेंट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देंगे। और हमारे जो कोरिहार चौक है ये दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके आज क्लासिक गारमेंट को हम बधाई दे रहे हैं क्योंकि दुकान में देख रहे हैं हर ब्रांडेड एकदम में लगा हुआ है, हर चीज़ है। एक कस्टमर एक दुकानदार के बीच में जो अटैचमेंट होता है ना, वो विश्वास का अटैचमेंट होता है। तो क्लासिक गारमेंट बहुत पहले से ही ये विश्वास जीत के रखा है और मेरी आशा है इस विश्वास पर लोग खरा उतरेंगे। और दिन दुगुनी रात चौगुनी हम भगवान से कामना करते हैं कि इन लोगों दुकान और बरकत में आए। 2016 में हमारी दुकान खुली थी, उस समय कोरिहार चौक पर एक भी रेडीमेड का कपड़ा का दुकान नहीं था। उस समय हम लोगों ने रेडीमेड का कपड़ा खोल के इस चौक को एक क्रांतिकारी दुनिया में प्रवेश करा दी हम लोग कि धीरे धीरे एक मार्केट का स्वरूप ये धारण कर लिया है और लगातार कपड़ा का दुकान रेडीमेड का खुलता जा रहा है। उसको हम लोग पिछला दुकान से और उसको मतलब उसका विस्तार कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप सोनू भैया से पूछे हैं कि ग्राहक और कस्टमर के बीच में, ऑनर के बीच में क्या रिश्ता होता है, तो हम लोगों ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है, प्रूफ करके दिखाया है, जिसके चलते ये इतना बड़ा मॉल की जैसा ये दुकान के रूप में परिवर्तित हो गया। और आगे ये है कि हम इसको और फैलाएंगे और साथ में मार्केट में और इस जितना भी क्षेत्र है इस क्षेत्र में और भी इसका हम विस्तार करेंगे। हम लोग 40% डिस्काउंट देते हैं प्रिंट आउट से, जो प्राइस रेट है उसका 40% किसी भी कस्टमर से आप बेधड़क किसी भी क्षेत्र में पूछ सकते हैं जो क्लासिक गारमेंट में आगे कपड़ा लेते हैं। ब्रांड के नाम पर ठगी तो नहीं किया जाएगा? नहीं, कभी नहीं। हम मार्जिन कम रख के, मुनाफा कम रख के कस्टमर को ज़्यादा बुलाते हैं ताकि मेरा रेपुटेशन बढ़े और जब कस्टमर आएगा ज़्यादा तो मेरा ऐसा ही मतलब आगे बढ़ना शुरू है। हम तो एक टी शर्ट लिए हैं आज, हमको अच्छा लगा है और जब मार्केट से सबसे सस्ती में मिलती है यहाँ पे, तो हम बहुत दिनों से आज यहाँ से जैसे कपड़ा उपड़ा खरीदते हैं तो इस बार भी। जी सर, ये जांगिया लिए हैं और वंजी। कैसा लगा इन लोगों का व्यवहार, दुकान का कपड़ा? जी व्यवहार तो बहुत अच्छा है, दुकान भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। खुशी की बात है कि कोरिहार चौक फिर से क्लासिक गारमेंट का नया शुभारंभ हुआ। अब की बार जो है कि जोरदार जो है कि तरीके से बहुत अच्छा रहा, यही कहना चाहेंगे हम। सबसे बड़ी बात है कि एक दुकान को परिवार में बदलने के लिए एक विश्वास जमाना पड़ता है और आज के समय में विश्वास बनाना लोगों के साथ बहुत टफ काम है जो इन लोगों ने बना के किया बनाया है। और बहुत दिनों से लोगों को एकजुट करके रखा है, बहुत दिनों से एकजुट। ये प्यार ही है कि इतना सारा लोग आज आया हुआ है, बहुत ज़्यादा है। अगर प्यार ना होता तो इतना लोग ना आ पाता है। यही बात है कि इसको एक केवल दुकान न कहिए, एक परिवार कहिए। चलिए सर, मार्केट में तो बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे दुकानें खुलती हैं और बंद भी हो जाती है। इस शहबाज भाई जो है इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, एक मतलब जो कहिए कि एक बिजनेस पर्सन का जैसा व्यवहार होना चाहिए, बिजनेसमैन का व्यवहार होना चाहिए, वो चीज़ें इनमें देखी जाती है। यही वजह है कि इतना भीड़े जो देख रहे हैं इन्हीं के वजह से है, इनकी प्यार की वजह से। और काफ़ी अच्छा लगा, ये दुकान का नया उद्घाटन हुआ, बगल में ही जस्ट दुकान था, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ और काफ़ी इनके पास स्पेस भी है और सारी चीज़ें क्वालिटी भी इनका इनके पास बहुत अच्छा मिल रहा है।